तमिलनाडु की टीम को रणजी ट्रॉफी के सेमीफाइनल में मुंबई के खिलाफ पारी और 70 रनों से हार का सामना करना पड़ा था। और अब इस हार के बाद तमिलनाडु के कोच ने कप्तान और टीम के निर्णय पर सवाल खड़ा कर दिया है। मैच में तमिलनाडु की हार को लेकर कोच सुलक्षण कुलकर्णी ने कहा था कि हम पहले दिन सुबह 9 बजे ही मैच हार चुके थे, हमें टॉस जीतने के बाद गेंदबाजी चुननी चाहिए थी, लेकिन कप्तान का प्लान कुछ और ही था। मैंने जैसे ही पिच को देखा था तभी मुझे अंदाजा हो गया था कि हमें क्या करना होगा। मैं कोच हूँ, मुंबई में रहा हूँ और यहाँ की परिस्थितियों से वाकिफ हूँ। मैं घोड़े को पानी तक ले जा सकता हूँ, लेकिन पानी तो घोड़े को ही पीना है। कोच लक्षण कुलकर्णी का कहना था कि टीम पहले दिन की शुरुआत में ही मैच हार गई थी, क्योंकि उन्हें टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला करना चाहिए था। और अब इसी बीच दिनेश कार्तिक ने टीम को सपोर्ट ना करने के लिए तमिलनाडु के कोच पर गुस्सा जताया है। दिनेश कार्तिक ने सोशल मीडिया के जरिए तमिलनाडु के कोच द्वारा दिए गए बयान पर आपत्ति जताते हुए कहा, यह बहुत गलत बात है, इस तरह की बातें कोच के मुंह से निकलना निराशाजनक है। एक कप्तान जो 7 साल बाद टीम को सेमीफाइनल तक लाया है, उसे समर्थन देने के बजाय इस तरह की बातें करना उन्हें शोभा नहीं देता है। इस बात में कोई संदेह नहीं है कि कोच ने खुद की जिम्मेदारी लिए बिना अपने कप्तान और पूरी टीम को हार का जिम्मेदार ठहरा दिया है। मैच की बात करें तो तमिलनाडु पहली पारी में केवल 146 रन पर सिमट गई। वहीं मुंबई ने पहली पारी में 378 रन का बहुत बड़ा स्कोर खड़ा किया। शार्दुल ठाकुर के शतक और तनुष कोटियान की 89 रन की पारी की बदौलत मुंबई इतने बड़े स्कोर तक पहुंचने में सफल हो पाई। वहीं दूसरी ओर तमिलनाडु दूसरी पारी में भी मात्र 162 रन ही बना पाई। इसी के चलते मुंबई ने पारी और 70 रनों के अंतर से जीत दर्ज कर फाइनल में प्रवेश कर लिया है। बता दें कि मुंबई ने 48वीं बार रणजी ट्रॉफी के फाइनल में अपनी जगह बनाई है। अब इस पूरे मसले पर आपका क्या मानना है, इसके बारे में अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और स्पोर्ट्स से जुड़ी तमाम खबरों के लिए सब्सक्राइब करिएगा हमारे चैनल स्पोर्ट्स लाइव एबीपी लाइव को।